आपका आज यूडियो में स्वागत है। आज यूडियो में लेकर आए इसका टाइटल है इंडिया नो फोर्थ कंट्री इन द वर्ल्ड विद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ओवर 700 बिलियन डॉलर्स। तो चलिए देखते हैं वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर को फॉलो करिए चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। स्टडी आईक्यू आईएएस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जब भी मैं फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर वीडियो बनाता हूं तो मुझे याद आता है 1991 वाला समय, जब भारत के पास 10 दिन का इंपोर्ट कराने का भी जो पैसा है, जो डॉलर्स है, वो नहीं बचा था। और इसीलिए हमारे देश में आई थी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, हम सब जानते हैं। और तब हमने IMF से लोन लिया था, लेकिन उसके बाद से भारत ने जो प्रोग्रेस किया है हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। और आज के डेट में आप सोच के देखिए, भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है इट हैज़ बिकम 700 बिलियन डॉलर। पहली बार भारत का फॉरेक्स रिजर्व 700 बिलियन डॉलर को क्रॉस किया है और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। ये आप देख सकते हो खबर, इन अ फर्स्ट इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स सर्ज पास्ट 700 बिलियन डॉलर। और इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, एक एक चीज़ हम जानेंगे कि आखिरकार क्या हुआ और इसकी जो पूरी जर्नी रही है। और साथ ही साथ कई बार मैंने देखा है लोग लिंक करके देखते हैं कि जब हमारा फॉरेक्स रिजर्व इतना बढ़ रहा है तो रुपी क्यों नीचे जा रहा है, वो सारे लिंक मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली फास्ट ट्रैक बैच लाया गया है, जैसे कि सुबह और शाम दोनों समय क्लासेज हों और आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो सके। इसके अलावा 2026 कोई भी आप बैच लेना चाहते हो, इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, आप सबको पता होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वीकली बेसिस पर यहाँ पर डेटा रिलीज किया जाता है कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व कितना हो गया है। तो यहाँ पर जो लास्ट डेटा रिलीज किया गया है RBI के द्वारा, उसमें बताया गया है कि 27 सितंबर तक भारत का पोजीशन क्या था। और इसमें अगर आप देखोगे जो हमारा टोटल रिजर्व है, अच्छा ध्यान रखिएगा जब हम फॉरेक्स रिजर्व की बात करते हैं तो इसमें 3-4 चीज़ें आती हैं जो आपको एकदम पता होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर होता है वो है आपका फॉरेन करेंसी एसेट। हम सब जानते हैं कि भारत स्टोर करके रखता है, हम जमा करके रखते हैं, डॉलर्स हो गया या फिर यूरो हो गया, पाउंड हो गया, जापनीज येन हो गया, ये कुछ जो इम्पॉर्टेंट करेंसीज हैं दुनिया के, उनको हम स्टोर करके अपने पास रखते हैं ताकि जब हम गुड्स वगैरह बाहर से मंगाएं तो हम उसके लिए पे कर सकें। तो जितना अच्छा खासा रिजर्व होगा उतना हम मजबूत स्थिति में होंगे। तो टोटल रिजर्व में सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट होता है इसी का, फॉरेक्स रिजर्व। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पर जो हमारा टोटल फॉरेक्स रिजर्व है उसका वैल्यू ये 704 बिलियन डॉलर पहुंच गया है, 704 बिलियन डॉलर। और इसमें जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो फॉरेन करेंसी का ही है, ये है 704 में से 616, ये 616 बिलियन डॉलर ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन करेंसी है। और इसके अलावा गोल्ड का वैल्यू कितना है हमारे पास, जो RBI के पास है, इट इज़ 65 बिलियन डॉलर। और इसके अलावा आपको पता है IMF के अंदर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, रिजर्व ट्रांसपोजिशन, ये सब भी आपको कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैं आपको बता रहा था कि वीकली बेसिस पर ये नंबर चेंज होते रहते हैं। तो एक हफ्ते के अंदर यहाँ पर जो नंबर में इजाफा हुआ है, पहले अगर आप देखोगे एक हफ्ते पहले भारत का फॉरेक्स रिजर्व स्थिति थी ये था 692 बिलियन डॉलर, और इसमें 12 बिलियन डॉलर का करीब इजाफा हुआ है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि अभी तक के इतिहास में वीकली बेसिस पर सबसे बड़ा इजाफा ये 5वें नंबर पर आपको देखने को मिलेगा, अभी जो लास्ट वीक यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है। और सबसे ज़्यादा वीकली बेसिस पर इंक्रीज़ हुआ था वो था 27 अगस्त वाले हफ्ते में 2021 में, यहाँ पर 16 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ था। लेकिन इस बार हफ्ते में इजाफा हुआ है 12 बिलियन डॉलर का। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझने की ज़रूरत है वो है टोटल रिजर्व। टोटल रिजर्व जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस समय पूरे दुनिया में चाइना के पास है, इनके पास है करीब करीब 3.2 ट्रिलियन डॉलर। ये ध्यान में रखिएगा, मतलब इट्स ह्यूज नंबर, आप समझ रहे हो, 3,288 बिलियन डॉलर, इतना बड़ा है, मैसिव रिजर्व है चाइना के पास। और यही कारण है जिसकी वजह से चाइना इतने सारे छोटे छोटे देशों को बहुत सारा लोन दे पाता है आसानी से। और लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है देखने वाली कि
चाइना का एक साल पहले मतलब इस साल अगर आप इजाफा देखोगे तो कुछ खास नहीं हुआ है। दिसंबर 2023 में भी लगभग चाइना के पास उतना ही रिजर्व था, अभी भी इतना ही रिजर्व है। वहीं जापान की स्थिति अगर आप देखो तो थोड़ा कमजोर हुई है। जापान के पास करीब 1150 बिलियन डॉलर का रिजर्व था, लेकिन अभी ये हो गया है 1082 बिलियन डॉलर। इसके अलावा स्विट्जरलैंड थर्ड नंबर पर है, इनके पास 800 बिलियन डॉलर का रिजर्व है। और चौथे नंबर पर है भारत, दैट इज 704 बिलियन डॉलर। अच्छा, कई लोग ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पर अमेरिका कहाँ है, यूएस कहाँ है, यूएस के पास तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, हम फॉरेक्स रिजर्व की बात करें। फॉरेक्स रिजर्व का मतलब हुआ जैसे भारत, भारत के लिए फॉरेक्स रिजर्व कौन सा है, जैसे डॉलर हो गया, अमेरिकन डॉलर, यूरो हो गया, पाउंड हो गया। तो अमेरिका के लिए फॉरेक्स रिजर्व डॉलर थोड़ी होगा, डॉलर तो खुद ही अमेरिका का है, तो वो आपको इस लिस्ट में नहीं मिलेगा, वो कहीं 20वें स्थान 20-30 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या है कि भारत के पास इतना रिजर्व है कि हम एक साल से ज़्यादा का पूरा जो अपना इंपोर्ट है वो कवर कर सकते हैं। जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि 1991 में सिर्फ 15 दिन का रिजर्व हमारे पास बचा हुआ था, 10-15 दिन का, लेकिन ये अभी हमारे पास एक साल से ज़्यादा का हो गया है। जहाँ तक भारत के फॉरेक्स रिजर्व की जर्नी है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको अच्छे से पता चलेगी। देखिए, पहला जो हमारा 100 बिलियन डॉलर का रिजर्व हुआ था वो हुआ था 2003 में, दिसंबर 2003 में, और 100 से 200 बिलियन डॉलर हम तीन साल में पहुंचे, 2007 में हुआ। फिर यहां पर आप देख सकते हो अगले एक दो साल के अंदर, जबकि ये सबसे फास्टेस्ट था, 10 मंथ्स के अंदर अंदर, 10 महीने के अंदर अंदर हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है 2007 से 8 के बीच में 200 से 300 बिलियन डॉलर हो गया। लेकिन यहीं पर अब इसके बाद इशू आना स्टार्ट हुआ, 2008 के बाद से आप देखोगे तो इजाफा उतना नहीं हो पाया, क्योंकि आपको पता है उस समय क्राइसिस भी चल रहा था, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, रिसेशन का माहौल था, लेकिन उसके बाद से चीज़ें संभल नहीं पाई थी, और रुपी भी अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया था। लेकिन फाइनली देख सकते हैं 2017 में जो हमारा 400 बिलियन डॉलर है वो हमने अचीव किया, और उसके बाद से तो हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद कब 400 हुआ, कब 500 हुआ, फिर 600, और अब यहां पर 700 हो गया है 2024 में। अब इसमें जो एक काफी ज्यादा क्रेडिट दिया जा रहा है वो प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास, उनकी काफ़ी तारीफ की जा रही है। जैसे बैंक ऑफ अमेरिका के सिक्योरिटीज़ के द्वारा बोला गया कि शक्तिकांता दास के दौरान उनका पूरा टर्म अभी तक अगर आप देखोगे 70 महीने का हो चुका है, तो 70 मंथ्स में हर महीने भारत का फॉरेक्स रिजर्व 4.2 बिलियन डॉलर बढ़ा है एवरेज में अगर आप देखिए। मतलब उनके कार्यकाल के दौरान अकेले 298 बिलियन डॉलर का रिजर्व, लगभग 300 बिलियन डॉलर रिजर्व शक्तिकांता दास के टर्म के दौरान बढ़ा है, जो कि पिछला वाला अगर आप रिकॉर्ड देखो तो आरबीआई के जब गवर्नर थे वाईवी रेड्डी, उनके कार्यकाल के दौरान हर महीने 3.3 बिलियन डॉलर का रिजर्व बढ़ा था। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि शक्तिकांता दास का जो पूरा टर्म है उसको एक्सटेंड किया गया है, काफ़ी लंबा टर्म आपको देखने को मिल रहा है। खैर, क्वेश्चन अब यहाँ पर यह है कि इस रिजर्व के बढ़ने का कारण क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है। देखो, ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, जब इन्वेस्टर्स आपके देश में पैसा लगाते हैं, तो आपका फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ता है। तो भारत में अगर आप देखोगे तो हमने इन्फ्लेशन कंट्रोल करके रखा है, इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी अच्छी खासी मजबूत है, जो फिजिकल जो डेफिसिट होता है उसमें इंप्रूवमेंट आया है, जो करंट अकाउंट बैलेंसेज हैं उसमें आपको इजाफा देखने को मिलेगा, तो इसकी वजह से ये आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फॉरेन इन्फ्लोज, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जब वो भी पैसा लेकर आते हैं भारत के अंदर, भारत के स्टॉक मार्केट में डालते हैं, तो बहुत सारा डॉलर्स भारत में आता है, तो इसकी वजह से भी इजाफा होता है। आप देख सकते हो इसी साल 30 बिलियन डॉलर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भारत के स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट में डाला है। और शक्तिकांता दास जी ने भी कई बार यहाँ पर इस चीज़ को कहा है कि भारत को ज़रूरत है कि हम अच्छा खासा फॉरेक्स रिजर्व जमा करके रखें, ताकि ग्लोबल वॉलेटिलिटी अगर आएगी, ग्लोबली कोई प्रॉब्लम आएगी, तो हम इस फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें तैयार रखना है। जैसे कि चाइना का मैंने आपको बताया, चाइना ने तो करीब 3 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का रिजर्व बना कर रखा है, विच इज़ मैसिव, विच इज़ ह्यूज, ठीक है। तो भारत को भी यही कोशिश करनी चाहिए। खैर, क्वेश्चन अब ये है कि जब हमारा फॉरेक्स रिजर्व इतना बढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो इंडियन रुपी अगर आप देखोगे तो ये ऑल टाइम लो पर है। आज के डेट में आप सोच के देखिए, इंडियन रुपी मतलब डॉलर टू इंडियन रुपी आप करोगे तो 84 पहुँच गया है, विच इज़ ऑल टाइम लो। तो यहाँ पर कई लोगों का क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों, जब हमारा रिजर्व बढ़ रहा है तो हमारा रुपी भी तो इम्प्रूव होना चाहिए, अप्रिशिएट होना चाहिए। लेकिन मैं आप सबको एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर कर दूं कि फॉरेक्स रिजर्व बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी करेंसी भी स्ट्रांग होती जाएगी। वो अगेन डिपेंड करता है यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। देखो क्या है ना,
कि जो रुपी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये चाहता है कि वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल ना हो। अगर आपको याद हो 10-12 साल पहले यहाँ पर जो रुपी है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हुआ करता था। तो यहाँ पर क्या है कि उसकी वॉलेटिलिटी को रोकना है। अब देखो वॉलेटिलिटी को रोकने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो आज के डेट में अगर रुपी 84 हो गया है $1 इक्वल्स टू, तो ये अचानक से ऐसा ना हो कि 85 हो जाए या फिर अचानक से ऐसा ना हो कि 80 हो जाए, दोनों तरफ भारत को नुकसान है। आपको पता ही है कि अगर रुपी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा अप्रिशिएट हो जाएगा तो हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको काफ़ी लॉस होगा। तो ये हम नहीं चाहते, क्योंकि भारत में हम चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा सामान बिके, तो हम एक्सपोर्ट उतना नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली आरबीआई का मेन काम क्या होता है कि रुपी को थोड़ा सा स्टेबल रखना। और इसमें क्या है कि आरबीआई क्या करती है कि डॉलर को कभी खरीदती है और कभी बेच देती है। जैसे कि मान लो अगर मैं कहता हूं कि बहुत सारा डॉलर भारत के अंदर आ रहा है, खूब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यही होता है ना, जब किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ जाती है मार्केट में तो उसका प्राइस गिर जाता है, उसकी वैल्यू गिर जाती है। तो डॉलर जब भारत के अंदर बहुत ज़्यादा आता है तो डॉलर की वैल्यू कम होती है, रुपी स्ट्रांग होने लगता है। लेकिन उसी समय क्या करती है आरबीआई, जो डॉलर भारत में आ रहा है उसको अपने पास खरीद लेती है, ताकि यहाँ पर जो रुपी अप्रिशिएट हो रहा है 84 से 80 की तरफ जा रहा है उसको रोक सके। ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिए तभी तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है, जब आरबीआई मार्केट से डॉलर को अपने पास खरीदती है और उसके बदले में रुपी को रिलीज़ कर देती है मार्केट के अंदर। तो इसी की वजह से आरबीआई के पास ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व होता जाता है, डॉलर और ज़्यादा होता जाता है। तो इस तरह से चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। रिसेंटली अगर आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर भी क्या किया, इसी हफ्ते जो अभी मैं आपको बता रहा था कि $12 बिलियन इंक्रीज़ हुआ है, इसमें $4.8 बिलियन आरबीआई ने खुद खरीदा है। जी हाँ, मार्केट से जो डॉलर है उसको अपने पास खरीदा है आरबीआई ने, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इस तरह से चलती रहती हैं चीज़ें। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो अभी फॉरेक्स रिजर्व हमारा $700 बिलियन को क्रॉस किया है, इसको लेकर बैंक ऑफ अमेरिका का कहना है कि बहुत मतलब 2026 में, मार्च 2026 में हमारा फॉरेक्स रिजर्व $745 बिलियन पहुंच जाएगा। लेकिन देखिए जहां तक मेरा सवाल है, मैं इसको देख रहा था कि जिस स्पीड से हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है तो ये $745 बिलियन लाने में 2026 का वेट नहीं करना होगा। मुझे लगता है कि अगले साल में ही आपको ये नंबर आराम से देखने को मिल सकता है। बट लेट्स सी कैसा होता है, वो काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है, ग्लोबली क्या सिचुएशन है, वॉर कितना हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर है। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि 10 साल पहले इंडियन रुपी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हुआ करता था, ऊपर नीचे होता था, लेकिन अब ये काफ़ी स्टेबल हो गया है। मतलब बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ता नहीं और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होता है। इतना वॉलेटिलिटी कम होगी, ये हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा, जो इन्वेस्टर्स हैं वो और ज़्यादा भारत में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो क्योंकि उनको प्रेडिक्ट होगा ना, देखो क्या होता है कि अगर आपकी इकोनॉमी कमज़ोर है तो आपका जो करेंसी है वो बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी मजबूत होती है आपके करेंसी में स्टेबिलिटी आती है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होगा। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो था फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा रीजन ऐसा है जहाँ से सबसे ज़्यादा सी फूड एक्सपोर्ट होता है भारत से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, वहाँ पर अगर आप कोई बात नहीं टेलीग्राम से ले सकते, कई सारे डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। मार्केट में जो है ना पैसे का फ्लो होना जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है, लेकिन जो है ना भाई फ्लो के साथ साथ जो है ना गवर्नमेंट उस चीज़ पे जितनी ज़्यादा जो है ना वो कड़ी निगरानी रखे ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक ही बंदे के हाथ से या 3-4 लोगों के हाथों में अगर कंट्रोल रह जाए ना तो फिर मार्केट जो है वो स्टेबलाइज जो है वो नहीं रहती। आपको ये चीज़ नज़र आती है कि वो कंट्रोल करना जो है वो शुरू कर देते हैं, लेकिन जिस तरह पॉलिसीज बनाई जाती हैं, पैसा जो है वो इंडियन मार्केट में आता है और आरबीआई जिस तरह जो है डॉलर्स जो है वो खरीद के अपने रिजर्व बढ़ा रहा है, तो नो डाउट भाई जैसे दुनिया में आपको जो है फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो देखने को मिले, कहीं पे जंग लगी हुई है, कहीं पे वैसी सिविल वॉर जो है वो शुरू हुई है, तो उस लिहाज से देखा जाए ना तो आने वाले टाइम में जो है अगर इस तरह की कोई स्थिति पैदा होती है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 वाले दुनिया में आ जाते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट को जो है ना अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में रिजर्व से काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट मिलेगा। मुझे सबसे अच्छी चीज़ यही लग रही है कि भाई आप दूर अंदेशी से काम करें, यानी कि जिस तरह की हम देख रहे हैं कि एक दुनिया की स्थिति चल रही है, जंगे शुरू हो रही हैं, पता नहीं कभी ये सुनने को मिलता है कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जानी है,
या अगर दो कंट्रीज के बीच में जंग है भी, तो उसकी वजह से जो एक पूरी दुनिया को सफर करनी पड़ती है सिचुएशन, या बीच में कभी पैंडेमिक देखने को मिल जाता है, तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि गवर्नमेंट को पता है कि हम लोगों ने किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है। क्योंकि ऑनेस्टली बोलूँ, मुझे लगता है कि इंडिया जैसे देश को संभालना आसान काम नहीं है। एक इतना बड़ा कंट्री जहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन रहती है, और वहाँ पर आपको डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और सबको साथ में लेकर चलना, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है गवर्नमेंट के लिए, जितने भी लोग जो है पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं या जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सब के लिए। अभी हम लोग बात करते हैं कि फॉरेक्स रिज़र्व जिस तरीके से बड़ा है, और इससे ये भी पता चलता है कि इंडिया कैसे ग्रो कर रहा है, कि लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। या अगर हम लोग बिज़नेस की स्थिति देखें तो वो भी आपको जो इन्वेस्टर हैं या बिजनेसमैन है, चाहे वो लोकल हैं, एक आपको फेवरेबल इन्वायरमेंट जो है वहाँ पर नज़र आता है। क्योंकि यूजली क्या होता है, हम लोग अपने कंट्री में देखते हैं यहाँ पर जिस तरीके से रुपी फ्लक्चुएट करता है, अभी तो काफ़ी टाइम से स्टेबल नज़र आ रहा है कि एक ही आपको नंबर जो है वो देखने को मिलता है, आई थिंक 0.5 कुछ इस तरीके से इतने पैसे का आपको जो डिफरेंस है वो नज़र आता है। अदरवाइज जैसे अगर हम लोग लास्ट ईयर की बात कर लें तो रुपी एकदम इस तरीके से फ्लक्चुएट करता था, एकदम से ऊपर चला गया, एकदम से नीचे चला गया। आप सोते थे 270 होता था, सुबह आंख खुली तो पता चला 200 जो है ना 75 हो गया। अच्छा, लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि नो डाउट ये जो चीज है कि लाइक हमारे यहाँ पर तो ये चीज डॉलर के साथ लिंक कर दी जाती है ना इन्फ्लेशन को, कि भाई हर चीज जो है वो डॉलर ऊपर जाता है तो महंगाई भी ऊपर चली जाती है। वैसे डॉलर नीचे आता तो महंगाई हमारे यहाँ पर नीचे नहीं आती, वो वहाँ पर ही महंगाई बाकी एक ऐसी चीज है पाकिस्तान में जो स्टेबल रहती है। हाँ, वो स्टेबल रहती है, इकोनॉमी स्टेबल रहे या ना रहे। लेकिन मैं ये बात पूछना चाह रही हूँ, जैसे इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सर ने बोला जो रुपी है उसको मतलब विलिंगली इस तरीके से उसकी कंट्रोल किया जाता है, कि उसकी प्राइस जो है ना तो वो ज़्यादा ऊपर जाए ना वो ज़्यादा नीचे रहे, ताकि जो एक्सपोर्टर हैं उनको भी फ़ायदा हो सके। तो मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि एक्सपोर्टर को क्या नुकसान होगा अगर रुपी जो है वो स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि इकोनॉमी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैं ये कॉन्सेप्ट जो है वो पूछना चाह रही हूँ कि इसके पीछे क्या एक रीज़न है। और दूसरा ये भी कि इसका मतलब ये कि अगर आपने जैसे इन्फ्लेशन है, जो स्टेबल कंट्रीज़ हैं जो अपनी इकोनॉमी को लेकर चल रहे हैं, वहाँ पर वो अपनी मर्जी से अगर रुपी को या जो भी उनकी करेंसी है उसको जो भी चाहे वो उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं या बैलेंस वे में रख रहे हैं, तो वहाँ पर इन्फ्लेशन का जो ताल्लुक है वो डॉलर के साथ नहीं होता क्या? यार ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो है ना मोस्टली जो कंट्रीज होते हैं जो एक्सपोर्ट भी करते हैं उनका ये जो मैंने देखा है मानना है कि भाई डॉलर के मुकाबले में ना अपनी करेंसी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना रखें, उससे जो है ना आपको एक्सपोर्ट करने में जो है माल वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। मे बी उसमें जो है भाई जो एक्सपोर्टर होते हों या जो बायर होते हों पैसे ज़्यादा उनको ड्यूटीज वगैरह, हाँ, बिल्कुल शायद उसमें जो है कोई दिक्कत जो है वो आती होगी। क्योंकि बहुत देर पहले जो है ना मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें जैसे आप देखते हैं जैपनीज येन जो है वो इतना ज़्यादा जो है, हालांकि जापान की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बेशक सैचुरेशन पॉइंट पर आ गई, इकोनॉमी हाँ नजर आता उसी करेंसी उस तरह से नहीं, लेकिन उसके मुकाबले में भी अगर देखा जाए जैपनीज येन जो है वो आपको एक डॉलर के मुकाबले में 148 जो है वो जैपनीज येन जो है मिलते हैं। उसके साथ साथ अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना इतना स्ट्रॉन्ग है कि भाई उसकी ट्रिलियंस में उसके पास रिजर्व है, तो उसको जो है एक डॉलर हो तो आपको 7 युआन मिलते हैं। तो देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि भाई जो है ना कंट्रीज वो खुद जो है वो डॉलर, क्योंकि ग्लोबल करेंसी है, हर बंदे ने उसमें जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो करना है, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि भाई अपनी करेंसी को जो ना खुद जानबूझकर जो है वीक रखा जाता है ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा जो है फायदा हो। लेकिन लेकिन इन्वेस्टर जो है वो भी मेरा ख्याल है काफी जो है वो चला हुशियार होते हैं, ख्याल क्या बल्कि यकीन जो है वो होते हैं, वो ऐसी इकोनॉमीज जो है वो ढूंढते हैं जो बहुत ज़्यादा मेच्योर ना हुई हों, और उन्हें वहाँ पर जो है ना इन्वेस्ट करते हुए जो है ना ये टेंशन ना हो कि भाई अगर हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो एक बबल ब्रस्ट होगा और सारा कुछ नीचे बैठ जाएगा। बेसिकली उनको स्टेबिलिटी चाहिए होती है, यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा फायदा हो। लेकिन जो इन्फ्लेशन वाला मैंने एक लिंक पूछा है, प्लीज़ वो ज़रूर बताइएगा कि क्या इन सब कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन का डॉलर के साथ कोई लेना देना होता है या नहीं होता। बाकी भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है, और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की इकॉनमी जैसे ग्रो कर रही है
और जैसे डे बाय डे हम उसको देख भी रहे हैं, तो मुझे लग रहा है स्विट्जरलैंड और जापान इनको भी वो आने वाले टाइम में ना पीछे कर देगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इंडिया में पोटेंशियल बहुत ज्यादा, एक बहुत बड़ी कंट्री है। स्विट्जरलैंड में भाई उनकी स्ट्रेटेजी की बात करूं बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा वो अच्छे तरीके से जो है वो चलते हैं, शांत सा कंट्री एक साइड पे और खामोशी से ना। आप ये देखिए स्विस बैंक जो है वहां पर पूरी दुनिया का पैसा उनके पास है, दौलत जो है वो उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। लेकिन वैसे मैं बात की बहुत ज्यादा आपको स्विट्जरलैंड की कोई मतलब खबरें नहीं उस तरह से सुनने को मिल, मतलब एक शांत सा कंट्री आपको लगता है। एनीवे गाइस आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में क्या इंडिया सेकंड नंबर पर आएगा, जरूर बताइएगा हम लोगों को कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें ज्यादा गुड बाय।